हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। बड़ों को प्रणाम और छोटों को हेलो। अभी सुबह सुबह का वेला है, ठंडा थोड़ा सा लग रहा, ज़्यादा नहीं। ये देखिए, गांव का सुबह का नज़ारा ही कुछ और होता है। बहुत मस्त व्यू है, पीछे देख सकते हैं आप, हल्का हल्का कुहासा जैसा है। बिहार में तो ऐसे भी कुहासा बहुत ज़्यादा लगता है। आज तो प्रसाद का दिन है, छठ पूजा का। वीडियो के साथ बने रहे, दिखाएंगे आपको। ये मेरी फुआ की बेटी है, जो सफाई सुथरा छोटी है, मगर बहुत मेहनत करती है। अभी झाड़ू मार रही है। ये देखिए सुबह का समय का, ओस बहुत गिरा हुआ है, सब घास पे पूरा भीगा हुआ है, हल्का कुहासा टाइप सा भी है। ये शिवानी दुकान जा रही है कुछ लाने, पीछे पीछे ये मेरा कुत्ता। ये देखिए, ये मेरा भगना राम एक उठा हुआ है। हेलो करो, गुड मॉर्निंग बोलो। अभी सुबह सुबह उठा है, एक सोया हुआ है। ये देखिए आदि, उठ जाओ। ये देखिए मेरी बहन, ये देखिए चाची। छठ पूजा का प्रसाद बनेगा, उसका बर्तन धो रहे हैं। इधर खाने का सुबह का तैयारी चल रहा है। मेरी माता श्री टॉमी, और इधर दिखाते हैं, इधर भी सफाई सुथरा का काम चल रहा है। मेरे फुआ मुंह धो रहा है। ये देखिए मेरा, तो ये बड़ा सा गाय और उसका ये बच्चा, ये लोग खाने के लिए मिल गया है। ये धान का नीचे वाला डंठल होता है वो, और हरा घास है। ये दोनों को भी खाने के लिए मिल गया है। ये देखिए कितना सारा अमरूद का पेड़ है, इधर फिर नीम का पेड़, पपीता का पेड़, और पेड़ था अमरूद का, टूट गया। इधर भी आम का पेड़ है, बहुत सारा कुछ है लगा हुआ। हम लोग को गौशाला एरिया है, इधर सब गोबर ठोका हुआ। ये सरकारी सप्लाई का पानी का कनेक्शन है। कपड़ा धोने का प्रोग्राम चलता है। ये वाला मेरा ही खेत है, इधर से भी रास्ता है मेरा घर का। ये देखिए ये पूरा घर, सामने में पानी टंकी सरकारी, और स्कूल भी यहीं पे है। ये जानवर लोग के लिए झलरा लगा हुआ है, जो गाय को देते हैं। इधर ये खेतों में देखिए पूरा आलू लगा हुआ है, ठंडा का मौसम है ना, आलू खूब होता है हम लोग के यहाँ। अभी किसी में धान भी है, ये देखिए आलू। ये झलर लगा हुआ गाय के लिए, इसमें लगा हुआ है। इसमें भी लगता है कि घास लगा हुआ है गाय के लिए, बरसिम्मा घास बोलते हैं वही वाला। कितना सुबह सुबह, कितना गांव का नज़ारा, कितना मस्त है। गांव में बहुत मज़ा आता है, हमको तो बहुत मन लगता है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि किनको किनको अपना गांव में अच्छा लगता है, अपना घर। इसे हर किसी को बहुत अच्छा लगता है, जन्मभूमि है।
भले लोग पढ़ाई करने के लिए या जॉब करने के लिए बाहर चले जाते हैं, मगर अपना घर अपना ही होता है। और सामने में हम लोग का ट्रांसफार्मर है और सरकारी स्कूल भी है। गांव का कभी पूरा विजिट करवाएंगे, आपको दिखाएंगे। आदि उठ जाओ, गुन्नो चाचा। देखिए गाय का बांधने के लिए किला के लिए गड्ढा कर रहा है। इधर भी है मगर इधर भी है, तभी और अलग अलग सबको करेंगे। इधर सफाई सुथरा अभियान चल रहा है। एक किला के लिए लकड़ी ककड़ो ले लाओ, गन्ना का रस लेने आए हैं। छठ पूजा में लगता है और शुद्ध माना जाता है, इसलिए गन्ना का रस लेने आ गए हैं। और ये भी थोड़ा सा ले जाएंगे। देखिए कितना भीड़ है अभी, धीरे धीरे और बहुत सारा गाड़ी आएगा, बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाएगा। हम लोग सुबह आ गए हैं, शाम में प्रसाद का। अगर देखिए धान कितना मस्त लगा हुआ है, धान का खेती पूरा धान है। वो हाईवे है, हम लोग गन्ना का रस लेके यहाँ से निकलेंगे। पिछला बार तो बहुत भीड़ था, इस बार तो बहुत काम है, देखिए पूजा से चल रहा है। ये देखिए फ्रेंड, हम लोग गन्ना का रस और गन्ना का जो रस निकलने के बाद जो बचता है छठ पूजा में यूज होता है वो ले लिए हैं। अब घर के लिए निकलेंगे। ये मेरा भगना है अभिषेक। पूजा का पूरा तैयारी, ये लोग भी लेके आ रहे हैं। वहाँ पे गन्ना का रस मिलता है। इधर तो पूरा खेत ही खेत है, हरियाली। ये देखिए फ्रेंड, छठ पूजा का गेहूं किया जा रहा है, फटका जा रहा है साफ। इसको फिर पिसवा के प्रसाद के लिए गन्ना का रस लेके चलाए हैं। इधर कपड़ा धोए, पूरा घर में रौनक है। उधर खाना बन रहा है, इधर में सर में टेंशन, तेल लगा रहा है। ये आदि चूहा जैसा दांत है आदि का। पूरा घर में एकदम छठ का माहौल है। इधर पुआ मेरी चावल बना रहे हैं सुबह का खाने के लिए। ये देखिए चूल्हा पे गोईठा से लड़का लोग अपना अपना मस्ती में लगा हुआ है। ये देखिए नाना होटल चला रहा है। अब चलते हैं एक और गाड़ी को बाहर निकालने, और दोनों गाड़ी को आज धोएंगे। इसको भी निकालते हैं, तो वो तो एक बाहर लगा हुआ है, दोनों का धोएंगे, दिखाते हैं। ये देखिए दोनों बाइक निकाल लिए हैं, अब दोनों को धोएंगे। इधर ये गुल्लू मुल्लू बैठा हुआ है, सब बच्चा लोग पार्टी धोएगा। ये फ्रेंड गाड़ी धो रहे हैं दोनों अपना, एक गाड़ी आदि धो रहा है, एक उन्हों तुम भी गाड़ी साफ करो। देखिए बड़ा भगना आदि धो रहा है, अभिषेक भी भगना, ये गुन्नू। ये दोनों गाड़ी पूरी तरह से धुल चुका है, धो दिए हैं। इसको थोड़ा देर सूखने देते हैं, उसके बाद सूखा कपड़ा से पूछेंगे। एकदम मस्त चमक रहा है। गुन्नू भी धोते धोते पूरा भींग गया है। नहीं गुन्नू चलो नहाने,
नहाना है ना इधर। इतना सारा कपड़ा धोया गया है, पापा नहाने की तैयारी में है, नहाने जा रहे हैं। आइए, आदि भी पूरा भींग गया है गाड़ी धोते, अब नहाएगा ये। चलो नहाने, अब चले ब्रश मुंह धोने दतमन से। इधर फुआ चूल्हा को निप रहे हैं, अब चलते हैं, नीम का दतमन तोड़ेंगे और इसी से दतमन करेंगे। शाम का प्रसादी बनाने का तैयारी चल रहा है। ये चूल्हा मिट्टी वाला, इसमें बनता है। चाची ईटा को धो रहे हैं, शुद्ध कर रहे हैं। वो देखिए, ये सब बर्तन में बनेगा पीतल का। ये लड़कन लोग, भगनी लोग मेहंदी लगा रही है, इतना अच्छा। जो गन्ना वाला लाए थे वो सूखने के लिए दे दिए हैं। ये भगना लोग खेत रहा, फ्रेंड नीम का दतमन मुंह धो रहे हैं, दांत साफ कर रहे हैं। हल्का हल्का तीता लगता है, बहुत मस्त है, दांत के लिए सेहत के लिए बहुत अच्छा है। हम गांव पे आने पे ब्रश यूज नहीं करते हैं, बाहर में तो मजबूरी है, गांव में अवेलेबल है। नीम का पेड़ मेरे खड़े में है, इसे ब्रश करने में बहुत मज़ा आता है। ब्रश करेंगे, उसके बाद नहाते हैं जाके, उसके बाद आपसे मिलते हैं। वीडियो के साथ बने रहें। चूल्हा को नीपा जा रहा है, जिसको प्रसाद बनेगा। आइलो हंडा है, ऊपर ना है। मम्मी चाची मिट्टी से ही नीपा जा रहा है। ये देखिए, इधर भी हुआ साफ सुथरा करने में पूरा लगे हुए हैं सब। दीदी को सब दर्द दे रहा है। पापा नहा हुआ के रेडी हो गए हैं, पूजा करेंगे, उसके बाद खाना खाएंगे। पूरा निपल हो गया है, अब अपने जगह पे रखा जा रहा है, वहीं पे बनेगा। घर में पूरा चहल पहल है, फूल लगवाए हुए हैं, चाची लोग हैं, चाचा लोग हैं, बहन लोग हैं, हम लोग हैं। ये आदि हर्ष, इसका बड़ा भाई आदि भगना राम, बहुत शरारती और बदमाश। ये मेरे माता श्री, पापा पूजा में तैयारी में लगे हुए हैं, बिना पूजा किए हुए वो खाना नहीं खाएंगे। ये पापा शंकर जी पे जल ढाल रहे हैं, ये डेली का पूजा करते हैं, पहले नहाना फिर पूजा, उसके बाद ही खाना खाते हैं। वो डब्बा में गन्ना का रस लाए थे वो रखा हुआ है। शाम का प्रसादी का बन रहा है, देखिए चूल्हा जला लिया गया मिट्टी का। ये जो गन्ना का रस लाए थे उसी का लकड़ी और गोईठा से बन रहा है। ये मेरी मम्मी बना रहे हैं, गांव के बहुत सारे लोग आएंगे खाने के लिए, इसलिए ज़्यादा क्वांटिटी बनेगा, आपको दिखाएंगे। प्रसाद बनना स्टार्ट हो गया है, आज लोहंडा है, कल शाम को पहली अर्घ है। ये पूरा घर भी इधर धोया जा रहा है, धुल गया है, और जो बाकी है इधर गाना भी बज रहा है। छठ का गाना का सुनने का आनंद ही कुछ और है, बहुत अच्छा लगता है। इधर सब कोई मोबाइल में बिजी है, कोई टीवी देख रहा है, सब बिजी हैं।
या ये देखिए मेरी बहन मेहंदी लगा रही है, ये कितना इधर कुआ धोने में लगे हुए हैं, इधर घर धोया जा रहा है। ये मेरा दोनों बाइक धुल के पूरा रेडी हो गया। इधर कुट्टी भी जानवर के लिए काट लिया गया है। ये देखिए हरा घास, दीदी झाड़ू मार रही है। ये देखिए मेरा शेर और चीता दोनों साथ में खड़ा है। बन्नो अभी इधर धोया जा रहा है। इधर तो पूरा धुल गया घर, अभी डेली घर का धुलाई होगा छठ पूजा तक। ऐसे भी होता है अगर वो छठ पूजा तक डेली धोया जाएगा घर का दम रौनक। जय छठी मैया। देखिए खीर बन रहा है शाम के लिए प्रसाद गन्ना के रस में। देखिए प्रसाद का रोटी बन रहा है, उधर खीर बन गया और आइटम बन गया है और बनना बाकी है। देखिए बड़ा चूल्हा पे भी खीर बनेगा, उधर पूजा के लिए बन गया था और अब इधर बनेगा। ये मेरे पुआ बना रहे हैं लकड़ी और गोईठा से। यादी डांस करो। ये बच्चा पार्टी लोग घी लगा रही है सब पूजा के लिए। जितना भी प्रसाद था सब रेडी हो गया है, घी लगाया जा रहा है। लग गया पूरा लोहंडा का पूजा स्टार्ट हो गया है शाम का समय में। और पूजा होने के बाद प्रसाद खिलाया जाएगा। पूजा चल रहा है। मम्मी है, पुआ लोग हैं, चाची लोग हैं, सब हैं। जय छठी माता। छठ गीत गाया जा रहा है। बिहार का सबसे बड़ा पर्व छठ पूजा। ये देखिए गाइस फ्रेंड, मम्मी पूजा कर रही है छठ पूजा। सब देंगे, सब जितने लोग हैं सब लोग घुमा देंगे। मेन पूजा यही है आज का। जाओ बेटा हाथों के, हाँ घुमा दो। ये देखिए ये सब घुमा देने का काम चल रहा है। बड़ा भगना अभिषेक, अभी सब मिलके सभी का करके घुमा देंगे। अच्छा से छोटा वाला भगना अभी राइट हैंड से, अच्छा से, दो राइट हैंड से,
देखिए पापा आए हैं मत देने के लिए छठी माँ को। ये मेरे बड़े चाचा बड़े पापा। ये भैया राम भैया खाली वही यार रखती है। ये मेरे बहन का ससुर जी है छोटी बहन का। पूजा थोड़ी देर में समाप्त होगा, अब प्रसाद खाने का टाइम होगा थोड़ी देर में। अभी थोड़ा सा और बाकी है, उसके बाद छठी माँ का जो फिर कल पहन लिया रहेगा शाम में। अब गांव वाला सब लोग धीरे धीरे करके प्रसाद खाने आएंगे। वीडियो के साथ बने रहें, आपको दिखाएंगे छठी मैया की जय। ये चाची हम लोग का है, इसे माँ सुबह से फास्टिंग में थी, अभी प्रसाद खा रही है। इसके बाद हम लोग भी खाएंगे और पूरा गांव से सब लोग आएंगे। मम्मी खा रही है उनका जूठा, फिर हम लोग खाएंगे। माँ का आशीर्वाद होता है। गाइस हम लोग के लिए प्रसाद आ गया खाने के लिए, पूजा खत्म हो गया। हाँ यही है, ये देखिए सब मिलकर हम लोग प्रसाद खा रहे हैं। जय छठी मैया। मेरे भगना बड़ा भगना पापा भैया लोग सब मिलकर खाएंगे प्रसाद। प्रसाद खिलाने का काम चल रहा है, गाँव वाला सब आ रहा है धीरे धीरे। बहुत सारे लोग आएंगे। गाँव के लोग अब खाना स्टार्ट हो गया है, ज़्यादा बच्चा लोग भी है। ये देखिए भगना भगनी मिलके सब खिला रहा है लोहंडा, कल शाम को पहली अरग। छठ में बहुत मजा आता है, बहुत अच्छा महापर्व है हम लोग के लिए। लड़के लोग सब खाने के लिए वो धीरे धीरे करके बहुत सारे लोग आए। दूसरा गिलास दे उनको। कितना चहल पहल है, बाहर भी खा रहे हैं गुरु गुरु लोग कुर्सी पर बैठ के। बैठने में दिक्कत होता है किन्हीं किन्हीं को, इधर भी ये पूरा चलते रहेगा, आते जाते रहेंगे दो दो चार चार करके लोग। वो दो तीन घंटा तक पूरा चलेगा। हम भी जाएंगे सब घर में, सबके यहाँ खाने के लिए निकलेंगे। यहाँ भी खिलाना पिलाना घर पे हो गया है और सबके यहाँ से हम भी खाना खा के प्रसाद खा के चले आए हैं। अब वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और आपसे मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग में।